अस्सलाम वालेकुम, नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आपका वीकेंड तो अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि सर्दी जो आ गई है, ज़्यारत में तो पड़ गई है बर्फ़। अब क्या कराची में सर्दी आएगी, इस पर भी होगी बात। और जिक्र हो रहा है मौसम का ही, तो मौसम से रिलेटेड फ़िटनेस का भी जिक्र होगा। सर्द मौसम में फ़िटनेस को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर भी थोड़ी बहुत बात तो करेंगे। अब पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग के तारीखी मंसूबे, कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की लॉन्चिंग पर रिपोर्ट के साथ साथ मादर इल्मी कराची में तालिबे इल्मों को किन मसाइल का सामना है, ये सब भी हम आपको बताएँगे। कुछ स्पेशल ख्वाबों का भी जिक्र होगा, लेकिन पहले जिक्र करेंगे ऐसे वाक़े का जिसने इंसानियत का सर ही शर्म से नहीं झुकाया, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार को भी नुकसान पहुंचाया है। ये सब कुछ किया एक जुनूनी जत्थे ने, जिसने अपनी इंतहा पसंद और मुतशद्दद सोच पर चलते हुए इंतहाई बहिमाना तरीके से एक शख्स की जान ले ली। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं सानहे सियालकोट की। हुजूम की अदालत, हुजूम का फैसला और उस पर अमल दरामद। लेकिन इस हुजूम के बीच इंसानियत का एक नाम लेवा भी था, जो श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैनेजर पर हमला हुआ तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान उसे लेकर छत पर चला गया, दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर जालिम हुजूम में शामिल 20 से 25 लोगों ने वो दरवाज़ा भी तोड़ दिया। मैनेजर को ले जाने की कोशिश की, मलिक अदनान हुजूम की मिन्नतें करता रहा, हुजूम को कानून हाथ में लेने से रोकता रहा, और इसके लिए उसने अपनी जान की परवाह तक ना की, पूरी कोशिश की कि मुल्क के वक़ार पर आँच ना आए। हुजूम से कहता रहा कि अगर इस शख्स ने कुछ किया है तो पर्चा कटवा देते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन ये मुतशद्दद हुजूम ना माना। इंसानियत का दर्द रखने वाले कई और लोगों ने भी श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश की, मगर सफाक जत्थे के सामने हार गए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मारपीट सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसके साथ ही फैक्ट्री मालिकान गायब हो गए और 12 बजे तक श्रीलंकन मैनेजर की जान ली जा चुकी थी। वजीर आजम ने इस वक्त को जहां इंसानियत को शर्मनाक करार दिया है, वहीं बहादुरी और अखलाकी जुर्रत पर मलिक अदनान को पूरी कौम की जानिब से सलाम भी पेश किया है। ट्विटर पर लिखा कि जिसने अपनी जान खतरे में डालते हुए प्रियांशा दवियाना को पनाह देने और खुद को जुनूनी जत्थे से बचाने की पूरी कोशिश की, उन्हें हम सलाम पेश करते हैं। तमगा शुजात देने का भी ऐलान किया है। इस सब पे हम बात करेंगे। मैं महक को भी वेलकम करूंगा। महक, सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? यकीनन आपने भी ये बड़ा ही दिलगुदाज और दिल खराश किस्म का वाक़ आपकी नज़रों से गुजरा होगा, महसूस क्या कुछ किया? मैं तो यहाँ पर बहुत परेशान हुआ। थैंक यू फैसल। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और हम जब भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ना फैसल, बहुत एनर्जेटिक होते हैं हम, और बहुत खुश दिली के साथ हफ्ते का पहला दिन, वर्किंग वीक का जो पहला दिन होता है ना मंडे, हम उसमें बड़े एनर्जेटिक नज़र आते हैं, क्योंकि हम एक वीकेंड स्पेंड करके आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज का जो पीर है, दिल नहीं कर रहा था कि हम मुस्कुराते चेहरों के साथ, हंसते चेहरों के साथ, खुश दिली के साथ आज कैमरे के उस पार बैठे लोगों को गुड मॉर्निंग कहें, क्योंकि जो ये आप सियालकोट वाक़े का जिक्र करें ना, इसने ना सिर्फ एक बल्कि पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिए। मतलब बहैसियत पाकिस्तानी अगर मैं ये कहूँ कि हमारी क्या इज़्ज़त रह गई है, मतलब लोग ये समझें कि पाकिस्तान ये मुल्क नहीं है जहाँ पर जाके आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, या लोग ये कहें कि पाकिस्तान का कोई एक ऐसा निज़ाम जो हम कहें कि आपको इंसान फराहम करने के लिए बड़ा आगे नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम ट्विटर पे टॉप ट्रेंड देख रहे हैं, जिस तरह से हम उस मैनेजर की बेगम के बयानात देख रहे हैं, और जिस तरह से हम अपनी आवाम का गुस्सा देख रहे हैं, आप यकीन करें हर कोई ये कहता हुआ हमें नजर आ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को जब इतना डिले मिलता होता है इंसाफ मिलने में, तो ये जो श्रीलंकन मैनेजर है, इनकी जो मौत है और जो बेदर्द मौत है, उसका फैसला या उस हवाले से जो इंसाफ है वो कब मिलेगा। खैर, सेकेंड जो चीज जिस हवाले से फैसला, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, हम जब भी किसी बाहर के मुल्क जाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, या हम ये बताते हुए थोड़ा वो होता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक होता है, वो किसी भी एयरपोर्ट का आप जिक्र कर लें। लेकिन इस वाक़े के बाद आप ये सोचें कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कितनी हजीमत हुई है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो अब पाकिस्तानी जो ये आप कह रही है ना, कि इंटरनेशनल लेवल पर जब भी हम जाते हैं, श्रीलंका एक ऐसा
मुल्क था कि जिसके पाकिस्तान से बहुत गहरे और बहुत बरादराना ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक वाकया हुआ। आपको याद होगा, महक और देखने वालों को भी मैं याद दिलाऊं, ठीक 11 बरस कबल 15 अगस्त 2010 को इसी सियालकोट में ऐसे ही जालिम हुजूम ने अपनी ही अदालत लगा ली थी। दो नौजवान थे, मुगीस और मुनीब भट्ट को इसी तरह मार दिया था। सियालकोट में 2010 की तारीख दिसंबर 2021 में एक बार फिर दोहराई गई। सियालकोट के इसाने में सवाल ये भी पैदा हुआ कि अवामी रवैयों में इस कदर शिद्दत, अदम बर्दाश्त और फ्रस्ट्रेशन क्यों आ गई है। लोग सूरत हाल को हमेशा एक ख़ास मनफी और इंतहाई जाविये से देखने पर ही क्यों मुसर हैं। वो मुलजिम को सफाई का मौका नहीं देना चाहते। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आखिर हमारी अवाम में इतनी जल्दी क्यों है, हमारी अवाम फ़ौरन से कानून हाथ में क्यों ले लेती है। क्या यहाँ पर हम ये समझें कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है, या हम ये समझें कि यहाँ पर जो गुज़श्ता वाकयात हो चुके हैं, जैसे कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट, यानी जो कि सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो कि जिस तरह की सज़ा होनी चाहिए थी वो सज़ा नहीं हुई। क्या हमारा, हम ये सोचें कि हमारे पास अब वो कानून होना चाहिए जिसकी पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त हो, कि कोई भी शख्स किसी भी शख्स पर हाथ उठाने से पहले, उसको कोई बात करने से पहले या उसके बारे में कुछ गलत सोचने से पहले 10 दफ़ा सोच ले कि मेरे मुल्क में इस चीज़ की ये सज़ा अगर मैं सोचूंगा या मैं करूंगा, या अगर मैंने हाथ उठा लिया भैया तो मेरी ऐसी पकड़ होगी कि मैं ज़िंदगी भर नहीं छूट पाऊँगा। और हसन खावर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। इनसे फैसल जानते हैं कि क्या आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कानून की बात ही की है। बेहद शुक्रिया जी प्लीज़ फैसल। तो हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, ये बताएं कि सियालकोट वाक़े में कितने अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने हिरासत में, मरकजी मुलजिमान कितने हैं? जी, अभी तक 122 से ज़ायद मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया है और इनमें 19 मरकजी मुलजमान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, और इनमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनकी शक्लें लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियोस में देखी। हमने सीसीटीवी की फुटेज भी यूज़ की इनकी शनाख्त के लिए, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स का भी इस्तेमाल किया इनके वेयर अबाउट जानने के लिए, और पुलिस ने बड़ी जल्दी ये काम किया है। पुलिस की मदईयत में मुकदमा इनके खिलाफ़ दर्ज कर दिया गया है, और इसके अंदर ना सिर्फ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उसकी दफात के तहत भी इस मुकदमे का इंदराज हुआ है, और इसको ट्रायल के लिए एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ही ले जाया जाएगा। अच्छा हसन साहब, वीडियोस में ये भी देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो श्रीलंकन बाशिंदे को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इन अफराद की जान को भी खतरा हो सकता है ना, तो पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? जी, मलिक अदनान साहब का नाम अब इस मुल्क का हर घर जानता है, और आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी उनको एक्नॉलेज किया और उनकी खिदमात को फॉर्मली एक्नॉलेज करने का उन्होंने अनाउंस भी किया, उनको तमगा शुजात का ऐलान भी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी काबिश है कि उन्होंने इस बहादुरी से उस पूरे क्राउड के आगे वो खड़े हुए और उसकी कोशिश की कि ऐसा वाक़या ना पेश आए। हमारी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है और पुलिस है वो उनसे रबते में है, और उनकी जो भी सिक्योरिटी नीड्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो तमाम उनका वो ख्याल हो रहा है इस वक्त, और हम उनसे रबते में हैं मुसलसल। ठीक। अच्छा हसन साहब, ये भी बताएगा कि इस सान है कि मुलजमान को पकड़ना और सज़ा दिलवाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हुकूमत इदारों माहरीन को अब ये सोचना होगा कि ऐसे वाक़यात को किस तरह से हम जो है होने से रोक सकते हैं, या ज़िंदा कौमें सिर्फ आग बुझाने का काम नहीं करती बल्कि वो ऐसे इंतजाम करती है कि आग ही ना लगे और नुकसान होने से बचा जा सके। जैसे कि हम अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र करें कि आलमी सतह पर अब जो पाकिस्तानियों का एमएस जाएगा वो कोई अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इनको सज़ा दिलवाना, इस केस को आगे लेके जाना काफ़ी नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ उसे इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे बल्कि एक डेटरेंस क्रिएट होगी और लोगों को पता चलेगा कि वो कानून से बच नहीं सकते अगर वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी, आपकी बात सही है कि हमें इससे बहुत आगे जाना है, हमें रोकथाम करनी है, हमें सदबाब करना है इस सोच का, ऐसे वाक़ात का, और उसके लिए हम सबको आगे हाथ बढ़ाना है, हम सबको मिलजुल के काम करना है। हमें अपने माशरे का माइंडसेट बदलना है, हमने कानून की इज्जत पैदा करनी है, हमने अपने बच्चों में बर्दाश्त पैदा करनी है, उनको ये बताना है कि अगर कोई कभी किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है तो फिर अगर कानून मौजूद है तो वो कानून का रास्ता इख्तियार करें। एक और इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें यूथ बल जाए, हमारी 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो यंग है,
हमने उनको प्रोडक्टिवली इंगेज करना है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और मैं समझता हूँ इस पर भी हमें काम करना है। और हमें डिस्कोर्स और बातचीत का सहारा लेना है। हमने जो हमारे मुश्किल मसाइल हैं, वो चीज़ें जो कई दफ़ा हमारी सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस पे हैं, हम उन पर बातचीत से घबराते हैं। हमने बातचीत के पुल बनाने हैं और इस बातचीत और डायलॉग का सिलसिला शुरू करना है, और मैं समझता हूँ तभी हम मुस्तकिल बुनियादों पर इन मसाइल का हल कर सकते हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही है कि जितनी भी आपने गुफ्तगू की है उस पर हम अमल दरामद होते हुए भी देखें, क्योंकि ये अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं है और इस तरह के वाकयात पहले भी होते जा रहे हैं। लेकिन अपने आपने अपनी गुफ्तगू में आखिर में ये कहा कि हम कुछ चीज़ें हैं जिन पर बात करने से घबराते हैं, तो अब हमें घबराना नहीं है बल्कि ये बात करनी है कि एक चीज़ का कवर लेके अपनी ज़ाती अना पे किसी शख्स की जान ले लेना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब इसी पर हम बात करेंगे। मौजूद है हमारे साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। सभी के दिल गिरफ्तार हैं, सभी शर्मिंदा हैं इस चीज़ पे कि ये क्या हो गया है। किसी पर ये संगीन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही उसे वहशियाना तरीके से सज़ा देना, कोई जवाब बनता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आपके सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब ये है कि इस तरह से अपने तौर पर कानून हाथ में लेकर के वहशियाना अंदाज में नाजायज़ तरीके से बलवे की शक्ल में हुजूम का सजा देना, किसी की जान ले लेना, अपने तय हर चीज़ तय कर लेना, खुद बाकायदा जज बन जाना, सड़क पर इंसाफ का निज़ाम कायम कर लेना, इसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सियालकोट वाकया सफाकियत है, बर्बरियत है, वहशत है, दरिंदगी है, बहीमियत है, इस्लाम शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। सूरह बकरा के अंदर, सूरह नूर में, जा बजा कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से गवाहों का तस्करा है, अदालत का तस्करा है, जजों के अहकाम अहादीस में बयान किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बैजिनत वल मुद्दई वल यमीन वला मन अनकर, जो मुद्दई होता है उसके जिम्मे गवाहों को पेश करना होता है। वो गवाह कहाँ पेश करेगा? अदालत में। फिर जजों के अहकाम ये हैं, मुद्दा अलैह होता है, मुद्दई होता है, गवाहों का शहादत का पूरा एक निसाब होता है, पूरा एक सिलसिला चलता है, एक प्रोसेस होता है, फिर कोर्ट का काजी सजा देता है, जज सजा देता है। ये सारे के सारे अहकाम बुखारी मुस्लिम मुख्तलिफ अहादीस के अंदर, ऑथेंटिक अहादीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा रखे। जब कुरान का इस्लाम का ये तसव्वुर है तो इन तमाम इस्लामी तालीमात को सामने रखते हुए अब हम जब सियालकोट वाकये को देखते हैं तो दूर दूर तक इसके इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। ये जुनूनीयत है, ये नावाकफियत है, ये अदम बर्दाश्त का एक मुजाहरा किया गया है। फिर ये बताइए कि अगर वहाँ पर फ़र्ज़ करो, पहली बात तो ये कि ये मालूम नहीं कि ये गुस्ताखी हुई थी या नहीं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि किसी पार्टी ने वहाँ फैक्ट्री का विजिट करना था, कोई स्टिकर लगे हुए थे या कोई सफाई करने के लिए कहा था, और उस सफाई करने के हवाले से वो जो निचले वर्कर थे, वो जो मैनेजर्स थे दूसरे, वो जेलसी थे, वो नहीं करना चाहते थे। अब ये इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब दूसरी बात यह कि वो गैर मुस्लिम है, तीसरी बात यह कि कोई कागज़ का पुर्जा कोई वर्का अगर उसने फेंका तो मालूम नहीं कि उसकी नीयत गुस्ताखी की थी या नहीं, वो इसको जानता भी था या नहीं, उसको ये पता भी था कि नहीं कि इसमें आकाए नामदार सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गरामी लिखा हुआ है या नहीं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का नाम लिखा हुआ है या नहीं। फिर क्या मुसलमान इस सिलसिले में हसास होते हैं? क्या उसको ये पता था? क्या ये तकद्दस का दर्जा रखता है या ये गुस्ताखी होती है? ये सारे के सारे मामलात काबिल इन्वेस्टिगेशन थे, काबिल तहकीक थे, काबिल तफ्तीश थे। अगर किसी को ये शक पैदा भी हो गया कि ये गुस्ताख है तो भाई लेट द कोर्ट डिसाइड, इसको अदालत के हवाले करो, कानून के हवाले करो, इंतजामिया के हवाले करो। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी आपकी गुफ्तगू के अंदर बात आई, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं कि ये बलवे की सूरत में हुजूम का कानून को हाथ में लेकर किसी को अपने तय सजा देना हराम, हराम बिल्कुल नाजायज है, वहशत और बर्बरियत के सिवा कुछ नहीं। लेकिन जहां हम इसके असबाब पर जाते हैं, कलामी की माजरत, लेकिन हम अगर देखें हिस्ट्री, अगर हम उठा ले, जैसे कि मेरे को एंकर जिक्र भी कर रहे थे, ये कोई पहला वाक्य नहीं हुआ और सियालकोट में ही ये दूसरा वाक्य। एक वक्त हमने वो देखा कि रमजान था, दो भाई थे जो हाफिजुल कुरान थे, उनको किस तरह से बर्बरियत का निशाना बनाया गया। और एक ये चले ये गैर मुस्लिम है, और आपने जिन जिन हकायक की तरफ इशारा किया उन हकायक को लेते हुए बहुत सारे हर एंगल से
सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी एक साइड पे, उलमाए कराम के इस मामले में आप क्या जिम्मेदारी समझते हैं? क्योंकि हम देखते हैं जो जो इज्तमात होते हैं हमारे मुल्क में, उसमें हम हर तरह का दर्स सुनते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत अब बढ़ चुकी है हमारे माशरे में, मुझे लगता है कि शायद अब उलमाए कराम को इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवानी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, उलमाए कराम को बुनियादी तौर पर टॉलरेंस की तरफ, बर्दाश्त की तरफ, सब्र और तहम्मुल की तरफ, कानून की पासदारी और कानून की इज्जत और कानून की तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपने जुमे के खुतबों में, अपने बयानात में, तकारीर में, हर जगह पर इसको बयान करना चाहिए। लेकिन देखिए दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। कराची के अंदर आपने खुद कई दफ़ा ये प्रोग्राम किए हैं, कोई डाकू मजमे के हत्थे चढ़ता है, लोग क्या काम करते हैं, उस डाकू को कत्ल कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, मार देते हैं, जला देते हैं। क्यों? वजह उसकी ये है, आपको आना पड़ेगा ठंडे तरीके से, जब हम असबाब का तजिया करते हैं तो इस बात पर आपको आना पड़ेगा लोग क्यों मार देते हैं, कानून को हाथ में क्यों लेते हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का एतमाद नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं रहा है अदालतों पर। वो कहते हैं हम इसको अगर पुलिस के हवाले करें, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस हमारी गली कूचों के अंदर, पैसे मोबाइल लूटने के अंदर, दुकानें लूटने के अंदर जो डाकू मुलव्वस है, चार घंटे बाद ये पुलिस से छूट करके आ जाएगा। लोगों को अदलिया के जस्टिस सिस्टम पर एतमाद नहीं रहा। तो मैं ये कहता हूँ पिछले ज़मानों में तौहीन रिसालत के जो वाकयात हैं, उन हवालों से हमारा अदालतों का मुनज्जम जस्टिस सिस्टम इतना पावरफुल स्पीडी नहीं रहा कि लोग उसके ऊपर भरोसा करें। अगरचे इस सबब की वजह से किसी की जान लेना ये जायज़ नहीं हो सकता, मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हराम होगा। अगर आपको 100% ये एतमाद ना हो कि अदालत इसको छोड़ देगी, तब भी हम कानून बहरहाल हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन जब हम असबाब का तज्जिया करने बैठे तो एक सबब ये भी है। प्लस में ये बात भी जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, जहाँ आप तस्वीर के अंदर देख लें, दाएं बाएं आसपास जो शक्लें आपको नजर आ रही हैं, वो कि दीनी मदारिस के तलबा नहीं है, वो कोई बाकायदा मसाजिद के मौलवी साहबान नहीं खड़े हैं। मैं ये समझता हूँ इस वाकये को इस्लाम के साथ नथी करना या आईने पाकिस्तान के साथ नथी करना या दस्तूरे पाकिस्तान के साथ नथी करना जुल्म होगा, ज्यादती होगी। जब ये इस्लाम की तालीमात भी नहीं, पाकिस्तान का भी आईन नहीं, तो पता चला कि ये लोग इस्लाम के भी मुजरिम हैं, पाकिस्तान के भी मुजरिम हैं, ये इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे नहीं हो सकते। बेशक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बहुत ही कीमती गुफ्तगू रहती हमें, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरीके से आपकी गुफ्तगू हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँच रही है, इस तरह अब उलमाए कराम भी लोगों में ये शऊर उजागर करें। ये नहीं हो सकता कि अगर एक डाकू को पकड़ने के बाद पुलिस छोड़ देती है तो आप उस डाकू को सरेरा आग लगा दें। ये भी नहीं हो सकता कि अगर आपको कोई फैक्ट्री का मैनेजर डांट रहा है आपके काम सुस्त करने पे, तो आप उससे अपनी ज़ाती अना इस तरह निकालें कि इस्लाम का कवर इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपने मुल्क को बदनाम करें, अपने मज़हब को बदनाम करें, बल्कि मज़ीद हमें ख़तरे में भी डाल दें। हम ये ख़ुद तो शायद समझ लेंगे कि जो भी वाक़या हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया जिसको हमें अपना सॉफ्ट इमेज दिखाना है, उसको हम किस तरीके से ये वाक़या समझाएँगे? वक्त लगेगा, ये जो आग लगी है इसको बुझाने में अभी वक्त लगेगा। आगे बढ़ते हैं, सियासत का जिक्र हो जाए। लाहौर में कौमी असेंबली का हलका NA 133 या होने वाला ज़िमनी इंतखाब, नून लीग की उम्मीदवार शाइस्ता मलिक ने जीत लिया, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम को शिकस्त दे दी। गैर रस्मी गैर सरकारी नतीज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार ने 14,000 से ज्यादा वोट्स के फर्क से कामयाबी हासिल की। शाइस्ता परवेज मलिक ज़िमनी इलेक्शन में 46,000 वोट लिए उन्होंने, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असलम 32,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वोटर्स का टर्नआउट 18% से ज्यादा रहा था। बाई इलेक्शंस पे कमोबेश इतना ही है, 4,40,000 से ज्यादा वोटर्स में से सिर्फ 80,000 ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इसी पर तजिया लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं समा के सीनियर तजियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बखैरियत होंगे। बताइएगा कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बाई इलेक्शन का 133, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप भी और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बाकी लोग भी, या फिर कुछ सरप्राइज आपने देखा? नहीं, बिल्कुल यही तवक्को थी। अलबत्ता थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमारी तवक्को से ज़्यादा वोट लिए, और इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि टर्नआउट बहुत कम रहा, और दूसरे इस इलेक्शन की खसूसियत ये थी कि सब ने खूब पैसा खर्च किया वोट ख़रीदने पे। वैसे तो वोट ख़रीदे जाते हैं लाहौर में भी और जगहों पर भी, इस दफ़ा ज़्यादा ख़रीदे गए। और तीसरी बात ये है कि PTI चूँकि नहीं थी मैदान में और वोटर टर्नआउट इतना कम है, तो लगता है कि लोग भी कुछ सियासत से इतने
इतने दिलचस्पी नहीं है लोगों की सियासत में, उन्होंने यही तरजीह दी कि वो अपने घर पे ही बैठें। अच्छा अदनान साहब, एक चीज़ ज़रा जो कि मुझे खटक रही है, ये कि मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत ज़्यादा इन होती नज़र आ रही है, जो कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टर्नआउट कम था। पहले हमने देखा, अगर हम माजी को देख लें, कि 5,000 के लगभग मतलब वोट मिले और इस दफ़ा 32,000, तो ये हम क्या देखेंगे? पीपल्स पार्टी की एंट्री हो रही है और ये वो कहते हैं ना, आप आहिस्ता आहिस्ता आएँ और फिर पंजे गाड़ लें, और पीपल्स पार्टी का हमेशा से दस्तूर यही रहा है, तो आपको लग रहा है ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, इसलिए कि पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था, तो तहरीक इंसाफ को जो पहले वोट गए थे, बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वोटर तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए थे, तो अब उनका उम्मीदवार ही मैदान में नहीं था, उसके कागजात मुस्तरद हो गए थे, तो कुछ वोटर जो हैं वो दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे ख़रीदो फरोख्त हुई। लोग समझते हैं कि सियासी पार्टी कोई भी हो, काम तो इन्होंने करना नहीं है, आवाम के लिए तो कोई पॉलिसी इन्होंने बनानी नहीं है, वही महंगाई है, वही बेरोज़गारी है, तो बेहतर है कि अगर कोई पैसे 2-4 हज़ार रुपये मिलते हैं तो लेके वोट दे दो। एक ख़ानदान में अगर 10 वोट हैं तो चलो इलेक्शन के मौके पे 30-40 हज़ार रुपए की आमदन हो जाएगी, एक महीने का राशन आ जाएगा। यानी अदनान साहब, आप एग्री करें, इस दफा भी बिका है वोट बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, पहले से कहीं ज्यादा, और गरीब लोगों ने उस पैसे के नाश्ते किए होंगे, यकीनन किए होंगे। और देखिए, अच्छा है ना कि गरीब आदमी के घर में चलो राशन आ गया एक महीने का, तो उन्हें पता है कि जो भी हुकूमत आएगी, काम तो उसने वही करने हैं, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, तो इलेक्शन के मौके पे जो मिल रहा है उससे ले लो, एक महीना तो अच्छा गुजार लो। अच्छा, तो एक महीना अच्छा गुजर जाएगा। एक और चीज़, फैसल आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप भी इलेक्शंस कवर करते आए हैं, जब इलेक्शंस का माहौल बनता है और जब आप वोट की बात करते हैं, उस वक्त हमारी आवाम का रवैया कुछ और होता है, और जब उन्होंने अंगूठा लगाना होता है तो वो कुछ और कर जाते हैं, तो आपको लग रहा है आने वाले दिनों में हम ये देखें हमारी आवाम बाशऊर हो चुकी हुई है, पैसे भी जेब में रखेगी लेकिन वोट उसी को देगी? नहीं, मेरा ख्याल है वो कुरान मजीद पे हलफ उठाते हैं ना, तो आम लोगों के नज़दीक इसकी बड़ी अहमियत है, वो समझते हैं कि कुरान पे हाथ रख के हमने हलफ लिया है कि हम ये वोट डालेंगे, तो अगर हमने ये वादा पूरा ना किया तो हमें कोई नुकसान अल्लाह की तरफ से पहुँच सकता है, ये उनका अकीदा है, गलत या सही। तो हलफ लिया जाता है, फिर 2 से 5 हज़ार रुपये में वोट ख़रीदा जाता है। बास बड़ी बड़े कुंभे हैं, वो मिलके फैसला करते हैं, बरादरियाँ मिलके फैसला करती हैं। अच्छा, तो देखिए ना, अगर एक एक्सटेंडेड फैमिली में 20-25 लोग हैं तो उनकी तो अच्छी खासी बोनी, पंजाबी में कहते हैं बोनी हो गई, यानी उनको 50,000-1,00,000 रुपये मिल गए, तो मामला तो उनका। अच्छा, एक महीना तो सीधा हो गया ना। अदनान भाई और महक, आप दोनों यकीनन ये जो पैसा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो हसन खावर साहब हैं उन्होंने बयान दिया है कि जी एन ए 133 के ज़िमनी इलेक्शन ने ये जो पैसा पॉलिटिक्स है, पैसा इलेक्शन है, उसको बरी कर दिया है, उसको जी दफन कर दिया है। उन्होंने भी वही पेश किए अपनी तावील जो आपने अदनान भाई बताई, कि लोग बाहर नहीं निकले घरों से, और जो डाई हार्ट फैंस थे वही निकले, उन्होंने वोट की खरीदो फरोख्त की और जीत गए। लेकिन सर, इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि बाई इलेक्शन में अमूमन कम ही टर्नआउट होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन, तो क्या ये जो ये वाकईतन ये बात है कि लोगों ने एक तो पैसा पॉलिटिक्स को नेगेट किया और वो बाहर नहीं निकले, या फिर बात ये थी कि भाई बाई इलेक्शन था, टर्नआउट ऐसा ही रहता है? दोनों बातें ठीक हैं, एक तो बाई इलेक्शन में टर्नआउट कम रहता है, लेकिन आपने देखा डस्का में तो खासा टर्नआउट था, डस्का का इलेक्शन जो था, तो चूँकि जब पोलराइजेशन है, प्रो नवाज़ और प्रो इमरान पोलराइजेशन है लाहौर में, और मैं ये कहूँगा कि नवाज़ शरीफ का पल्ला लाहौर में भारी है, इससे कोई यानी इनकार नहीं कर सकता कि नून लीग लाहौर की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है, और हमें यही तवक्को थी कि वो जीतेंगे, मगर उनको पिछली दफ़ा 90,000 वोट पड़े थे, इस दफ़ा 40-45,000 के करीब वोट पड़े हैं, तो ठीक है कि टर्नआउट कम हुआ है। पीटीआई का उम्मीदवार होता तो टर्नआउट 30-35% हो जाता, तो नॉर्मल हो जाता, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि पैसा नहीं चला, पैसा बड़े पैमाने पे चला है, अगर पैसा ना चलता तो टर्नआउट 10% होता। ओके। और लोगों की दिलचस्पी जो है सियासत से कम हो गई है, लोग समझते हैं ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एक मखसूस तबका है उसके फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, आम आवाम को इस सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, बहुत महंगाई है और मसाइल हैं जो के तू हैं, जो रिफॉर्म्स हों, बेसिक ज़रूरियात आवाम को नहीं मिल रही। एक लास्ट में मैं सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे हैं ना लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, टर्न आउट ज़्यादा ना होने की वजह भी मेन यही है, फिर आगे आने वाले दिनों में जब हम इलेक्शन देखेंगे तो क्या हम देखेंगे कि आवाम तो बाहर ही नहीं निकली, क्योंकि महंगाई भी वहीं पर ही है, दूसरे जो मसाइल हैं लोगों को बिजली नहीं मिल रही, गैस के इशूज़ हैं वो भी वहीं पर ही है, या फिर ये देखें कि वही पुरानी हुकूमतों वाला रवैया कि
जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं चीज़ें आपको मिलना शुरू हो गई हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अगले दो साल में पीटीआई कुछ डिलीवर कर दे तो दोबारा मामला गर्म हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता है अगर यही हालात रहे तो जनरल इलेक्शन में 35% के करीब 30-35% वोट पड़ेंगे। पीटीआई के वोटों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो घर बैठ जाएगा, अपनी पार्टी को शायद वोट ना दे, क्योंकि लोग खासे मायूस हैं। कोई रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, कोई आवाम के फ़ायदे के लिए कोई बड़ा काम नहीं हो सका। तो अभी तो कोरोना वबा है, इसलिए लोगों ने माफ़ किया है, 3 साल गुजर गए हैं। अगर अगले 2 साल में भी ये लोग कुछ ना कर सके तो जनरल इलेक्शन में वोट टर्नआउट और मज़ीद कम होगा और उस ये जो पूरा प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, इसकी लेजिटिमेसी कम हो जाएगी। चलिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल उठा लिया आपने अदनान साहब, लेकिन बात यह है कि N133 नू लीग ने मार लिया है मैदान। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक की पढ़ रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए, और वो ये कि पाकिस्तान में खेल के हवाले से टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास सहूलियात की कमी है। इन कम सहूलियात के बावजूद हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ जाते हैं बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दोनों मेडल्स अपने लिए लेकर आते हैं। इतनी कम सहूलियात में भी अगर ये कर रहे हैं तो अगर इन्हें सहूलियात मिल जाए तो ये क्या करेंगे, हुकूमत इस पर क्या कर रही है, इस सब पर होगी बात। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर कहेंगे आपको नया दिन में खुश आमदेद। और जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एक पेटेंट लफ्ज़ है, नौजवानों तो खेल का जज्बा और सलाहियत है तो घर ना बैठो और इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचो। क्यों? क्योंकि हुकूमत ये सारी तैयारियां कर रही है आपको एक हीरो बनाने के लिए। कैसे? पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के तारीखी मनसूबे, कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की लॉन्चिंग होगी आज। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे और साबिक बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन भी कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का हिस्सा बन गए हैं। कहते हैं कि बतौर एम्बेसडर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव नौजवानों के लिए नए मौके पैदा करेगी। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के तहत क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल समेत तमाम खेलों के फरोग के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इकदाम किए जाएंगे। तो मैं इस सब पे हम बात करते हैं, उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि फैसल कर भी चुके हैं कि खान साहब को खेल से बड़ा प्यार है, लेकिन जब हम इन खेलों की बात करते हैं तो जो दूर दराज के इलाके के बच्चे हैं हमारे, जो जवान हैं, आपको नहीं लगता उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा कि इस्लामाबाद आएँ, क्योंकि वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे मुल्क में। तो अगर इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें, वसाइल की कमी का जो शिकार इलाके हैं, तो आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान की 68% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। और मैं चंद रोज़ कबल UNDP की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा पाकिस्तान की ये 68% आबादी के 93% यानी कि 93% नौजवानों को स्पोर्ट्स की एक्सेस हासिल नहीं है, स्पोर्ट्स तक रसाई हासिल नहीं है। और इसी तरह तकरीबन 94% जो इस आबादी के तनासब के नौजवान हैं उनको स्पोर्ट्स इवेंट मैसर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब जो कि सूबों में भी स्पोर्ट्स पे काम किया जा रहा है, देन फेडरेशंस हैं, IPC की जो मिनिस्टर हैं हमारी डॉक्टर हमीदा मिर्ज़ा साहिबा, वो भी काम कर रही हैं और दीगर अदारे काम कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर जितना भी स्पोर्ट्स पर काम करें, नौजवानों पर काम करें, और इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, कारोबार का मैदान हो, चाहे वो किसी भी की आप कह लें कि उनकी पोटेंशियल की बात की जाए, तो माशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। ज़रूरत है हमें इन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म देने की जिससे ये खुद ऊपर जा सकेंगे। और जिस तरह आपने सवाल किया कि इन सबको फैसलाबाद आना पड़े, इस्लामाबाद आना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पाकिस्तान के डिवीजन्स को रीजन्स में तकसीम किया है और ये नौजवान जो अपने अपने इलाकों में हैं, कल यानी कि आज जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, तो हमारी कामयाब जवान .gov.pk पर रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी और उन तमाम स्पोर्ट्स को वो जाकर सेलेक्ट कर सकेंगे और अपने अपने इलाकों में टैलेंट हंट का वो हिस्सा बन सकेंगे।
अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि इस प्रोग्राम में स्पोर्ट्स कौन कौन से शामिल किए आपने? ये 12 स्पोर्ट्स हमने रखी हैं यंग मेल्स के लिए और 10 के करीब हमारी जो स्पोर्ट्स हैं वो फीमेल के लिए हैं। मैं चंद एक का नाम ले देता हूँ, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, जूडो और रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, इसी तरह हवातीन के लिए हमने रखी हैं, स्की और टूरिज्म के हवाले से हमने स्पोर्ट्स का किया है जीबी में। तो हमारी कोशिश है पाकिस्तान के चारों सूबों और तीनों रीजन्स में जो नौजवान हैं इनको मौका दिया जाए। मैं एक फिर पाकिस्तान के नौजवानों को दावत देना चाह रहा हूँ, कामयाब जवान .gov.pk पर आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करें, अपने इलाके से उस स्पोर्ट को पिक करें जिसमें आप टैलेंट हंट में हिस्सा लेना चाहते हैं। फिर आपको एक पूल के ज़रिए, जिसके हम 100 का पूल एक बनाएंगे, उसमें फिर 5 रोज़ा उसी रीजन में हम इंशाल्लाह ताला कैंपिंग करेंगे, ट्रेनिंग सेशन होंगे, कोचिज होंगे और वहाँ से टीमें पिक की जाएंगी जो रीजन की सतह पर मैचेस खेलकर सूबे की 2 टीमों में से जो फाइनल खेलेगा वो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए सुपर लीग में आएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। तो हमारी कोशिश है कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव से कामयाब जवान हीरोज़ इंशाल्लाह ताला हम इस कौम को, इस मुल्क को देंगे जो पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करेंगे, पाकिस्तान का परचम इंशाल्लाह ताला आलमी सतह पर बुलंद करेंगे। अच्छा उस्मान साहब, प्रोग्राम ऐसा है माशाल्लाह से कि बहुत दिल कर रहा है इसको अप्रिशिएट करें और हम कर भी रहे हैं। अब जो आपने कामयाब जवान हीरोज़ की बात की ना, कराची में भी बहुत सारे हीरोज़ मौजूद है, कराची में भी काफ़ी टैलेंट मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि मार्शल आर्ट वाला हमें यहाँ पर आइसक्रीम बेचता नज़र आता है। हम ऐसी स्टोरीज जब खुद कवर करते हैं ना, यकीन करें हमारा दिल दुखता है। यहाँ पर जो लियारी का टैलेंट है वो हमें ना जाने ऐसे हाल में नज़र आता है कि दिल हमारा रोता है कि ये वो टैलेंट है जिसको मंजर आम पर लाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर खिलाना चाहिए, लेकिन कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। तो प्लीज कराची के खिलाड़ियों के लिए अगर आप कुछ अनाउंस करना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से। देखिए इसमें कोई दोराय ही नहीं है, माजी की हुकूमतों ने स्पोर्ट्स को बुरी तरह नजरअंदाज किया, स्पोर्ट्समैन को जो खेलने वाले थे उनको सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर उस तरह से सरपरस्ती हासिल नहीं रही है और यही वजह है कि हमारे खेल के मैदान जो थे वीरान थे। और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने आपको पहले कहा, कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव से हम सूबों के साथ मिलकर, मुतलका फेडरेशंस के साथ मिलकर, एसोसिएशंस और जो भी दीगर अदारे स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं और हमारी जो फेडरेशन की मिनिस्ट्री है IPC डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के साथ मिलकर और शफका महमूद जो कि HEC जिनके नीचे अदारा, इंशाल्लाह ताला एजुकेशन मिनिस्टर, तो हम एक पूरी टीम के साथ हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को इस टैलेंट एंड ड्राइव से ऊपर लेके आएं। और जो वो नौजवान जो हमारा कमज़ोर तबका, जैसे आप बात कर रहे हैं, जिन्हें वसाइल तक रसाई नहीं है, जो गली मोहल्लों में खेल रहे हैं, उसी कह लें आप सोच को कि हम उन लोगों को या उन नौजवानों को गली मोहल्लों से पिक करके ग्राउंड में और फिर ग्राउंड से फाइनल राउंड जो नेशनल और इंटरनेशनल इंशाल्लाह ताला गेम्स में वो खेलेंगे, इस टारगेट के साथ हम मैदान अमल में आए हैं कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव एंड टैलेंट एंड ड्राइव लेकर। चले बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो यकीनन हुकूमत तो अपनी पूरी कारकर्दगी कर रही है कि किस तरीके से खेल को सपोर्ट किया जाए, फ़रोग दिया जाए उसको। लेकिन महक ज़रा अब नाज़रीन को बताते हैं कि जामिया कराची जो है, जो कराची की सबसे बड़ी दर्जगा, वहाँ पे स्पोर्ट्स की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल बिल्कुल फैसल, और अब जब हम बात करते हैं जामिया कराची की और यहाँ के स्पोर्ट्स की सूरत हाल की, तो आप यकीन करें थोड़ा सा अफसोस होता है कि इतनी बड़ी दर्सगाह जहाँ से हमें टैलेंट नज़र आना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर खेलता हुआ, वो टैलेंट सिर्फ इसलिए महरूम है कि ग्राउंड तो है, जिमनेजियम है, लेकिन सहूलियात वो नहीं हैं जो कि इतनी बड़ी दर्सगाह में होने चाहिए। हुज़ैफ़ा खान की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। चालीस हजार तलबा की दरसगाह जामिया कराची, जहां तलबा व तालबात की जहनी सलाहियतें परवान चढ़ाने के साथ उनकी जिस्मानी फिटनेस के लिए भी सहूलियात दी गई हैं। लेकिन अदम तवज्जो और लापरवाही की वजह से उनका इस्तेमाल ख्वाब बनकर रह गया है। यूनिवर्सिटी के हॉकी ग्राउंड में घुटने घुटने घास है,
फुटबॉल ग्राउंड में भी खेलना दुश्वार है। ग्राउंड के बीचों बीच गढ़ों में पानी जमा है। तलबा जख्मी होने के खतरे की वजह से खेलने से डरते हैं। हम खुद यहाँ पे पानी देते हैं इसको, बहुत ज्यादा अगर ग्रास उगती है तो हम खुद काट लेते हैं इसको, अगर काट भी लेते हैं तो ऑफिशियल्स आके यहाँ पे घास जला देते हैं, तो इसे बहुत ज्यादा मसले है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की इसी हर चीज का कोई ख्याल। क्रिकेट ग्राउंड का भी कोई पुरसाले हाल नहीं, मैदान जंगली पौधों का मस्कन बन चुका है। नेट प्रैक्टिस के लिए लगाई गई नेट की सिर्फ बाकियात रह गई है। हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी आए थे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की सफाई, और यहाँ बीच में आप पीछे देखें पिच वगैरह है और बहुत अच्छा खेलने का निज़ाम था, टूर्नामेंट्स होते थे, बट अब हम लोग यहाँ ना गेम्स खेल सकते हैं आप, या अगर किसी की बॉल भी चली जाए साइड वाली पिच से तो वो लेने जाने से भी डरते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, यू कैन सी द एनवायरनमेंट राइट बिहाइंड मी कि घास इतना ज्यादा लंबा है, इवन वी डोंट हैव अ प्लेस, अ राइट प्लेस टू सेट हियर। जामे कराची के तलबा के लिए बनाए गए टेनिस कोर्ट भी बदहाली का शिकार है। स्क्वाश कोर्ट में भी वीरानी के डेरे हैं। तलबा दिल बनाने के लिए कभी स्क्वाश कोर्ट में वॉलीबॉल खेलने आ जाते हैं। बैडमिंटन कोर्ट का फर्श खराब, रोशनी का आर्जी बंदोबस्त किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। ग्राउंड और जिमनेजियम की हालत इजार से मुतालिक जामे कराची के डायरेक्टर स्पोर्ट्स राशिद कुरैशी से सामने सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब पेश किया कि कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार है, लेकिन मामलात जल्द बेहतर हो जाएंगे। दो साल का जो कोविड का टाइम आया तो जामियात तकरीबन सब बंद पड़ी हुई थी, तो आपकी जितनी फैसिलिटीज थी वो जब तक एक्टिव रहती हैं वो मेंटेन रहती हैं। तो हमने लिख कर दिया हुआ है और बार बार दिया हुआ है, डॉक्टर मुईज़ है हमारे उनके पास और गार्डन को भी, कि उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे उसको कर कर दें। जामे कराची से इल्म की प्यास बुझाने वालों ने जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबे में अपना लोहा मनवाया है, वहीं खेलों के मैदान में भी मुल्क का नाम रोशन किया है, जिनमें सुहेल अब्बास, जलालुद्दीन और रोमान रईस जैसे नामवर खिलाड़ी शामिल हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान चैंपियन खिलाड़ियों से महरूम रहेगा। हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को फौरी इस मसले को हल करना होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफ़ा खान, समा कराची। बड़ा अहम मामला है ये और कुछ इस मामले से रफाकत भी है, तो इस पे हम बात करेंगे नॉन अदर देन वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने गालिबन ये रिपोर्ट देखी है, अगर नहीं भी देखी तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इन मामलों को कि वलीका ग्राउंड से लेके और बैडमिंटन कोर्ट से लेके स्क्वाश टेनिस जो हालात हैं इस वक्त जामिया में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के, तो सर ये आज के तो नहीं हैं, काफ़ी अरसे से ये इसी तरीके से हैं, क्या किया जाएगा इनके लिए? देखिए रिपोर्ट तो मैंने आपकी नहीं सुनी, मगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की जो एनहांसमेंट है वो डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी है कि इसको कैसे हम बेहतर कर सकें। मगर एक आपको खुशाइन बता सकता हूं कि एचईसी ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्पोर्ट्स फुटबॉल के ग्राउंड का इफ्तिताह शुरू हो गया है, तो होपफुली हम स्पोर्ट्स के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जरिए बच्चों को बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की फंडिंग कमी की वजह से स्पोर्ट्स की जो फंड है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमें अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ वाजह फरमाएगा, ग्राउंड का इफ्तिताह हो जाना, जिमनेजियम का इफ्तिताह हो जाना, यहाँ तक तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है और फिर जोश भी पैदा हो जाता है कि अच्छा जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्या कुछ चेक एंड बैलेंस की कमी है या फिर कुछ और मामला है कि जो खंडर बनने हमें यहाँ पर हमारे ग्राउंड नज़र आते हैं? यकीनन कोई ना कोई तो मामला है जिसकी वजह से ये सूरत हाल आज हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई, जिसकी वजह से कराची यूनिवर्सिटी के तलबा नाखुश भी नज़र आ रहे हैं। देखिए मैंने आपको कहा कि पैकेज तो मैंने नहीं देखा, मगर आपको मैं स्टूडेंट की फैसिलिटेशन में आपको बता सकता हूं कि हमने हमेशा स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। हमारे 5 बच्चे थे जिन्होंने दुबई के अंदर पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनली, उन सब के स्पॉन्सर कराची यूनिवर्सिटी ने किया। अभी 2 बच्चे हमारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इसके अलावा जितने भी वो स्पोर्ट्स में इंगेज होते हैं कराची यूनिवर्सिटी उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। राकी साहब अब चलें थोड़ा सा इसका कैथारसिस भी कर लेते हैं। आवाज आपकी सवाल सही समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब आपको मेरी आवाज सही आ रही है सर?
जी आ रही थी। जी जी, मैं कहता हूँ उसका थोड़ा सा कतासिस कर लेते हैं सर। देखें, बैडमिंटन कोर्ट है हमारा, वो डार्क है बिल्कुल, और लाइट का ऑब्वियसली इंतज़ाम नहीं है, आज से नहीं है, 2010 से नहीं, जब से मैं वहाँ पे था, उससे पहले भी शायद नहीं होगा। तो कोर्ट हमारा, और दूसरी बात यह कि वो कोर्ट जो है वो वुडन नहीं है, वो सीमेंटेड है जो कि स्लिपरी है, लेकिन अभी टूर्नामेंट भी वहाँ ही पे होते हैं। एक तो चीज़ ये, आप टेनिस कोर्ट देख लें सर, वहाँ पे टेनिस के अलावा सब कुछ जारी है। स्क्वॉश के जो पिलर है ना सर कोर्ट के, उसमें दराड़े आ गई हैं। बाकी मैं अगर इसको एक साइड रखूँ, इसी जामिया में एक प्राइवेट इदारा भी है और उसका क्रिकेट ग्राउंड फ्लड लाइट्स के साथ मौजूद है। तो सर, फॉल्ट लाइन्स कहाँ पे हैं? जामिया में हैं, फंड्स मिलने में हैं, फंड्स ना मिलने में हैं, या फिर कहीं नेग्लिजेंस है? देखिए, आपने जिस आईबीए की तरफ इशारे किया, वो उसको कमर्शलाइज तरीके से चलाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी कोई भी फैसिलिटी कमर्शियल बुनियादों पर नहीं चलाती, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि फंड की डेफिनेटली कमी है, जिसके अंदर हमारी मेंटेनेंस उस लेवल की नहीं है। और तीसरी बात, यकीनन इस बात पे तवज्जो देने की जरूरत है कि जो फंड इनको एलोकेट किए गए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने उसकी मेंटेनेंस की है नहीं है। आपकी इस रिपोर्ट के बाद यकीनन इस बात पे तवज्जो दी जाएगी कि जो फंड्स इनको अवेलेबल किए गए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उस फंड को प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा किया गया या नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया इराकी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से आप थे, ये सदियों का किस्सा है, दो चार बरस की ये बात नहीं है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जामिया कराची की उस हद तक पहुंच चुकी है कि जहां पर वहां पे ना स्पोर्ट्स हैं और ना ही फैसिलिटीज़ हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जैसे आप खुद फरमा रहे थे कि अब इस पर काम होगा, तो देखते हैं कि अब इस पर कितना काम होगा। एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, तो मज़ीद अहम स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अब जरा कोरोना की नई किस्म के फैलाव की बात करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने क्रोएशिया, हंगरी, यूक्रेन और आयरलैंड समेत मजीद 9 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। सफरी पाबंदियों का दायरा कार 15 ममालिक तक बढ़ा दिया गया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, डिटेल्स दीजिए। बिल्कुल, फैसला ऐसा ही है। कोरोना की नई किस्म का जो फैलाव है, एनसीओसी ने सफरी पाबंदियों का दायरा कार वसी कर दिया है, 15 ममालिक तक बढ़ा दिया गया है। क्रोएशिया, हंगरी, यूक्रेन, आयरलैंड, नीदरलैंड और वियतनाम, पोलैंड भी सफरी पाबंदी वाले ममालिक में शामिल है। और पाकिस्तान पहले ही 6 ममालिक पर पाबंदियां आयद कर चुका था वबा के फैलाव का जायजा लेने के लिए। जो मजीद ममालिक हैं उनको भी कैटेगरी सी में शामिल किया गया है, और कैटेगरी सी से आने वाले ममालिक से मुसाफिरों के आने पर मुकम्मल पाबंदी होगी, एनसीओसी ने ऐसे इलामिया में कहा है। इंतहाई इमरजेंसी में आमद की सूरत में खुसूसी सिस्ना लेकर ही ये मुमकिन हो पाएगा, और कैटेगरी सी जो ममालिक हैं उनसे इंटरनेट फ्लाइट से आने वालों के लिए रैपिड टेस्ट भी लाजिम करार दे दिया गया है। आने वाले जो 6 साल और ज्यादा उम्र के मुसाफिर हैं उनके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाजिम होगा। और 6 अफ्रीकी ममालिक जो पहले ही जिन पर पाबंदी लगा दी गई है, उनसे आने वालों से नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 3 रोज का करंटीना भी लाजिम होगा। और अगर किसी मजबूरी के बायस बैरून मुल्क से वैक्सीनेशन ना कराने वाले पाकिस्तानियों के लिए प्रोटोकॉल में अगर से कुछ नरमी भी की गई है, हामला खवातीन हो गई, तिबी पेचीदगियों वाले अफराद हो गए, अदालती केसेस वाले लाजमी वैक्सीनेशन से मुस्तस्ना होंगे, लेकिन ऐसे अफराद को बोर्डिंग से पहले सबूत दिखाना होगा। एनसीओसी के एलामियों में ये सब कुछ शामिल है। तो कैटेगरी सी का दायरा कार वसी कर दिया गया है, 15 ममालिक को इनमें शामिल कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया हम आपका। एक और डेवलपमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सोहेल रशीद से। सोहेल, अदालत ने रिमार्क्स भी दिए हैं। जी अहम रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सदर मनिल्ला ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि राणा शमीम का नाम ECL में डालना हुकूमत का काम है, इस अदालत का काम नहीं है। तहम इस दरखास्त के काबिल समात होने पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। सीनियर वकील इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के राय मोहम्मद नवाज खान, वो खुद दरखास्त गुजार बने थे और उन्होंने तोहीन अदालत केस जो राणा शमीम और दिगर के खिलाफ जारी है उसमें पार्टी बनने की अलग दरखास्त भी दी थी। दोनों दरखास्तों को मिलाकर समात की गई है। और इस दौरान चीफ जस्टिस ने उसे यह भी इस्तफसार किया कि तोहीन अदालत का मामला तो अदालत का अपना होता है, इसमें आपको कैसे फरीक बनाया जाए। इस पर उनका ये कहना था कि मेरे पास इस सारे मामले की अहम मालूमात मौजूद हैं, मुझे फरीक बनाया जाए। अब फैसला महफूज कर लिया गया है, आज ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। सुहेल, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। अब सबको पता है कि मौसम तो है वो सर्द हो रहा है,
तो अगर मौसम सर्द हो तो पहनावे ही नहीं बदलते, रवैये भी बदलते हैं, रुझान भी तब्दील हो जाते हैं, खुराक भी बदलनी पड़ती है। लेकिन खुराक अगर सेहत बख्श और लाइफस्टाइल खैर मौजू हो तो आप बदमिजाज भी हो सकते हैं और कुछ चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लगता है, कुछ काहली भी आती है। मैक, आपको भी ऐसा कुछ लगता है क्या सर्दियों में? अच्छा, मुझे लगता है सर्दियों में शायद आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि आप इतने सुस्त हो जाते हैं, आप इतने लेजी हो जाते हैं कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप ब्लैंकेट से बाहर निकलें या आप सुबह के वक्त यू नो एक्सरसाइज करें या आप इवन रात में भी थोड़ी बहुत वॉक कर लें, तो सर्दियों में चीज़ें मुश्किल हो जाती है। लेकिन फैसल, रिसर्च ये कहती है कि सर्दियों में आपको एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है बिकॉज हमारा जो हमारा एक डाइट प्लान होता है वो ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम ज़्यादा वेट गेन करते हैं, उसमें हम गर्म गज़ाएँ खा रहे होते हैं और बस भूख ज़्यादा लग रही होती है, चॉकलेट्स की मकदार भी ज़्यादा हो जाती है, मीठा भी ज़्यादा, हलवे वगैरह खाना शुरू हम कर देते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन वही कि हम इतने ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं कि हम अपना एक रूटीन वाला जो प्लान होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते। अब कराची में थोड़ा ये आसान हो जाता है, बट अगेन लाहौर की अगर बात करें, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, यानी जो बहुत ज़्यादा सर्दी वाले जो शहर हैं वहाँ पर मुश्किल हो जाती है। और फिर होता ही एट द एंड विंटर जब ख़त्म होने वाला होता है तो हम कहते हैं कि पता नहीं मोटापा कैसे चढ़ गया, क्योंकि सर्दियों में तो वो आपके कोट से, आपके स्वेटर से कवर हो जाता है, लेकिन फैसल जब वो सर्दियाँ जाती हैं ना तो फिर पता चलता है कि आपने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया है। ओके, तो अब इस पे इशू ये आता है कि जी अब किया क्या जाए। वैसे बहुत सारे जो जिम फ्रीक्स हैं वो ये कहते हैं कि सर्दियों में आप बल्किंग की तरफ जाएं और गर्मियों में आप श्रेडिंग की तरफ जाएं, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं? और विंटर सीज़न में, एक ऐसे सीज़न में कि जहाँ पे आप लेज़ी हो रहे हैं, आपको लेथार्जी फील हो रही है, तो उसमें हम कैसे अपने आप को एक तो मोटिवेट करें और दूसरा कौन सी एक्सरसाइजेस करें और क्या विंटर एक्सरसाइजेस और समर एक्सरसाइजेस डिफरेंट होती है, इस सब पे हम बात करेंगे। फिटनेस ट्रेनर रोमेसा रमीज़ हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सबसे पहले तो यही बताएं कि जैसे मैं और महक भी बात कर रहे थे कि जी सर्दियों में इंसान एक तो सर्दियों का बहाना भी करता है, हाँ, एक तो सर्दियों का बहाना भी करता है, यार सर्दियाँ हो रही मैं नहीं कर रहा, फिर गर्मी आती है, यार गर्मी हो रही मैं नहीं कर रहा। एक तो वो लोग हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उनकी जो गर्मियों में तो करते ही एक्सरसाइज है लेकिन जब सर्दी आती है तो वो सुबह उठने को तरजीह नहीं देते, वो कहते हैं नहीं यार विंटर्स हैं सर्दी ना लग जाए, फिर वो लेज़ी फील करते हैं। तो इस सब में मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए बंदे को? असल में हम लोग का रूटीन ही आउट हो जाता है विंटर्स में, लेट उठना, फिर इस तरह हम लेट नाश्ता करते हैं तो मेटाबॉलिज्म भी हमारा बूस्ट नहीं होता उस टाइम, देर से खाना तो इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो इसलिए वेट गेन हो रहा था। और एक तरफ ये कि हम सूप वगैरह पीना शुरू कर देते हैं, उसमें कॉर्नफ्लोर होता है, कॉफ़ी में दूध बहुत ज़्यादा, चीनी ऐड कर करके, तो इस तरह भी कैलोरीज बढ़ रही होती हैं। तो मोटिवेट तो आपको करना है, अपने माइंड से सोचना है कि नहीं हमें करना है, तो आप कर सकते हैं। सुबह सुबह अर्ली नहीं हो सकता तो आप इवनिंग में कर लें वर्कआउट, कोई टाइम नहीं होता वर्कआउट का, आप कभी भी कर सकते हैं वर्कआउट, और गाजर के हलवे और इन सब से थोड़ा दूर रहा जाए। ड्राई फ्रूट्स आप हैंडफुल ले सकते हैं और आप हफ्ते में एक दिन चीट डे रखें, उसमें आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन इस तरह डेली भर भर के कॉफ़ियाँ पीना और हलवे खाना ये सब नहीं, इससे आपका ऑब्वियसली वेट गेन होगा। और वर्कआउट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ प्लीज़। अच्छा वर्कआउट, अब हम ज़रा रोमेसा से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या वर्कआउट रखना चाहिए हमें। सो रोमेसा इफ़ यू कैन कम ओवर हेयर, ओके, एंड दे यू गो। रोमेसा जो हैं अब हमें बताएंगी कि जी क्या हमारी फिटनेस को हमें ठीक करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो प्लीज देखिए, विंटर में ये कि थोड़ा बॉडी वार्म अप इतना नहीं होती, हाँ एक तो चीज़, तो उसके लिए आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं वो करने चाहिए, HIIT, हाँ, जैसे जंपिंग जैक्स इस तरह हो गया, ये वाले वर्कआउट आपने, इससे आपको इसके आपने 50-50 रैप्स लगाने, तो इससे आपकी बॉडी अच्छे से हीट अप और वार्म अप हो जाती है, तो वार्म अप हो गया, इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होते हैं। और अच्छा, मैं रेजिस्टेंस बैंड लेकर आई थी, आजकल ये बहुत ज़्यादा इन भी हैं, इससे ये कि इसमें इलास्टिसिटी होती है जिससे आपके मसल्स पे जो है प्रेशर आता है तो आपके कैलोरीज भी बर्न होते हैं। इस तरह हम इससे हैंड का वर्कआउट कर सकते हैं, इस तरह सही अपर बॉडी का ये वर्कआउट हो रहा है, इस तरह ऐसे ही हमने इसको लेग्स में इस तरह करके इस तरह राइट ये इसके बैक के लिए, लोअर बैक पर जिनका फैट होता है यहाँ पे,
जेंट्स और लेडीज दोनों का ये इशू होता है, इस तरह दोनों साइड से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो जस्ट दिस रेजिस्टेंस बैंड, और ये पोर्टेबल भी आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, और इससे काफी एक्सरसाइज होती है, इससे हैंड्स की भी इस तरह एक्सरसाइज होती है जिनका यहाँ आर्म फैट होता है, तो उससे इस तरह कर सकते हैं आप। लेकिन आप पहले जो स्टार्टिंग में करेंगे आप वो जंपिंग जैक्स करेंगे, हाई नीज होगा, ये सारे वर्कआउट ऐसे हैं जिससे आपका हार्ट रेट हाई होता है। जब हमारा हार्ट रेट हाई होता है तो हमारे कैलोरीज ज़्यादा बर्न होते हैं, और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हमें स्वेटिंग नहीं होती विंटर्स में, तो स्वेटिंग से देखिए फैट लॉस का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा मिथ है। अगर हम पानी जो हमारा बॉडी का होता है टेम्परेचर होता है वो निकल रहा होता है, जब हम पानी पियेंगे वही रीगेन हो जाएगा, तो फैट लॉस का ताल्लुक नहीं है, वो तो हमारे हार्ट रेट जो जब हाई होगा जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तब हमारे कैलोरीज बर्न होते। अच्छा, मेरी को एंकर जो है वो आपसे सवाल कर रही है, और ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जो टारगेटेड फैट रिडक्शन होती है, मुझे पता है कि ये भी एक मिथ है, बट स्टिल वो ये पूछ रही है कि आर्म्स पे आ जाता है जैसे आपने बताया भी, या थाइस पे अगर बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है तो उसको क्या उसको हम टारगेट करें, या फिर मैं उसमें ऐड कर देता हूँ कि टारगेटेड कुछ नहीं होता, इट्स के ओवरऑल आपका सारा जाता है। ओवरऑल आपको बॉडी को जो है ना फैट लॉस करना पड़ता है, और बिगेस्ट मसल जो है हमारी बॉडी में वो लेग्स का है, तो हम इस पे वर्क करेंगे, बैक पे ओवरऑल करना पड़ता है। जैसे बैली का है तो हमें सिर्फ बैली के वर्कआउट्स नहीं करने, हमें ओवरऑल अपनी बॉडी से फैट रिडक्शन करना है, फिर ही हमारी जो है बॉडी टोन और शेप होती है। अच्छा, तो ये महक बड़ा ज़रूरी था ये लोगों को बताना, बिकॉज कई जगहों पे आपको ये बताते हैं कि जी अगर फेस फैट है तो आप ऐसा कर लें, और अगर आपके पास आर्म फैट है तो ऐसा कर लें प्लीज। अच्छा फैसल, बॉडी का फैट परसेंटेज जब कम होता है ना तो पूरी बॉडी में टोन आता है। जी जी महक आप बताएं। जी जी मैं ये चाह रही हूँ आप इनसे पूछे कि जिनकी डबल चिन होती है कि अच्छा वो जनाब आप बहुत अच्छे हैं पतले हैं लेकिन चेहरा मोटा है आपका और डबल चिन है, और ये डबल चिन तो जाती ही नहीं है, तो ये तो इसके अगर एक क्विकली वाली डबल चिन का भी यही है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में फैट का इंटेक कर रहे होते हैं, कार्ब ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो उससे ज़ाहिर है हमारी बॉडी के इस जगह फैट जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं फेस की, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप फेस की एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपका फेस आप बिल्कुल ही स्टोन्ड और शेप हो जाएगा। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहेंगे, आप वर्कआउट्स नहीं करेंगे, तब तक आपका शेप नहीं आएगा। ओके तो, अच्छा रुमैसा एक चीज़ ये कि मैं चाहूँगा कि एजुकेट करते हैं लोगों को कि जी आपको जो बताया जाता है कि आप फला ले लें सप्लीमेंट और ये ले लें फला ढिमका ले लें, हमारी कोशिश होती है कि लोगों को ये बताएं कि जितना नेचुरल तरीके से आप करेंगे उतना ज़्यादा है। अब मैं चाहूँगा कि अब हमें ये बताएं कि जैसे आपने कहा सर्दियों में हम वी स्टार्ट टेकिंग वार्म थिंग्स, हम गर्म चीज़ें लेना ये सारी चीज़ें कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग सैलड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि उसकी तासीर ठंडी है, तो अगर हम सर्दियों में खाएंगे तो हमारा गला ख़राब हो जाएगा। मुझे ये बताइए सर्दियों में हमें क्या डाइट रखनी चाहिए, वो हेल्दी डाइट जो हमें हमारे गोल से ज़्यादा दूर भी ना करे और वो जो तासी ठंडी वाली होती है ना वो भी ना। आप मॉर्निंग में देखें उठते ही ब्लैक कॉफ़ी लें, उससे आप जो है वो वार्म अप भी रहेंगे और आपके कैलोरीज भी बर्न होंगे, और आप एक तो जागेंगे, एक तो होता है ना सबसे ज़्यादा लेजी हुए होते हैं तो हमें एकदम फ्रेशन अप करेगा वो। ब्लैक कॉफ़ी ले लें, आप ओट्स ले सकते हैं, ओट्स बेहतरीन चीज़ है फॉर वेट लॉस, और वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो आपको फुल भी रखते हैं। एग वाइट्स आप लें, ब्रान ब्रेड ले सकते हैं, दिन में आप सैलड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और सूप आप लें लेकिन उसमें कॉर्नफ्लोर इतना ऐड ना करें, आप ले सकते हैं सूप बेशक, और बाकी ग्रिल चिकन हो गई, ग्रिल्ड फिश आप ले सकते हैं, फिश बहुत फ़ायदेमंद है विंटर्स में, आपको वार्म भी रखती है, तो फिश है, ग्रिल्ड चिकन है, प्रोटीन जितना आप लेंगे अपनी बॉडी को प्रोटीन देंगे, गुड फैट्स देंगे। अच्छा जी, अच्छा मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमें अक्सर ही कहा जाता है कि आप विंटर में ये करें कि आप एक कॉम्बो बना लें अपने यू नो अपने लंच का, या अपने आप ब्रेकफास्ट का, या अपने एक डिनर का, या फिर ये कहा जाता है कि डिनर आप स्किप कर दें विंटर्स में और आप उसमें जैसे सूप इन्होंने बताया या कुछ ऐसी चीज़ थोड़ी सी मकदार में आप जो है वो चिकन खा लें, तो मुझे बताएं कि अगर हम एक कॉम्बो बनाना चाहते हों कि अच्छा आपकी जो है आप फिट भी रहें, आप में वीकनेस भी ना हो और आपने मीठा भी थोड़ी सी मकदार में खा लिया, तो वो एक सस्ता खस्ता कॉम्बो क्या हो सकता है कि हम जैसे जो लोग हैं जो मीठे से दूर नहीं रह सकते उनके लिए। मैंने आप लोगों को यही बताया ना, वीक में एक डे आप रखें ऐसा जिसमें आप चीट करें, वो आपका फिर क्रेविंग्स भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें विंटर में ना, पानी भी हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। हम लोग पानी नहीं पीते क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती विंटर्स में, लेकिन पानी भी पीना चाहिए, और स्टीविया शुगर का आप यूज़ कर सकते हैं,
वो प्लांट बेस्ड शुगर है जो सेफ है, ज़ीरो कैलोरीज है, तो आप अपनी टी में, कॉफ़ी में और गाजर के हलवे वगैरह में भी आप डाल सकते हैं वो। अच्छा, एक लास्ट चीज़ तो मैं सब वो ये कि बहुत एक और मिथ ये है कि सर्दियाँ हैं तो ख़ास तौर पर वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं कि जी सर्दियों में बल्किंग का सीज़न होता है तो हम ज़रा अपने आप को बल्क करते हैं, हम अपने आप को ज़रा और मसल बढ़ाते हैं, फिर जब गर्मियाँ आएंगी तो हम फिर श्रेड हो जाएंगे। एक तो ये कि ये बल्किंग वाला कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, पीपल आर मोर टूवर्ड्स नो गोइंग श्रेडेड HIIT, तो मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा आप हमें बताएँ। हाँ, ये होता है विंटर्स में हमारी बॉडी फैट लॉस, वो फैट स्टोर ज़्यादा कर रही होती है अपनी बॉडी में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है और फिर हम लोग लेज़ी भी फील कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपनी कोई भी सीज़न देखें किसी चीज़ के लिए मुकर्रर नहीं है, आप कभी भी अपने आप को श्रेडिड कर सकते हैं, बल्क कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, आखिर में अगर यू कैन थ्रो दैट बैंड टुवर्ड्स मी, यस यू कैन, देयर यू गो, तो यस, तो अगर आप जो हैं वो ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं और डंबल नहीं उठाना चाह रहे, तो आप ये है और इसमें इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है, मतलब मैं तो इसमें क्योंकि आई प्ले क्रिकेट तो ये मेरी रिस्ट का बड़ा ज़बरदस्त वर्कआउट है। थैंक यू सो मच रुमेश, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और सर्दियों की ही हम अगर मज़ीद बात करें तो सर्दियां आ रही हैं और कराची में तो पता नहीं कब आएंगी, लेकिन ये आप देखें मनाजिर, ओहो, मतलब कोई भी अगर विंटर लवर है, ट्रैवल लवर है, उसके लिए तो ये खूबसूरत मंज़र, और ख़ूबसूरत इसलिए भी कि पसे मंज़र में ज़ियारत रेजिडेंसी भी थी जो कि आपको नज़र आ रही थी, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। ये है वादी ज़ियारत, यहाँ गुज़िश्ता रोज़ वक्फ़े वक्फ़े से बर्फ़ जो है वो पड़ती रही, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में गिलियात में भी बर्फ़ गिरी है। मेरा फेवरेट स्वात वहाँ की वादी है, एक तो कालाम और दूसरी मालम जब्बा, यहाँ भी रुई के गाले बरस रहे हैं, इसका मतलब है कि विंटर फेस्टिवल का यहाँ आगाज़ होने जा रहा है, स्कीयर्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये खबर है। आप ऐसा करें, नज़र लगा दें, आप जब ये कहती हैं ना कि आप जा रहे हैं, आप चले जाएंगे, आप जा वो रहे, आप होता नहीं है, वो चली तो आप गई हैं भाई, भाई गई तो आप हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप चली गई हैं इसलिए मैं तो अब कहीं जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब आप बस मेरे आने का इंतजार करेंगे और जैसे मैं आऊंगी मुझे पता है आप कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आए तो ही मैं जाऊँ, और ये सीक्रेट मैं अभी आउट करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो लोगों को ये दावत नज़ारा भी दे रहा हूँ और यू नो दावत टूर भी दे रहा हूँ कि जाएं कागान नारान, यहाँ भी सफ़ेदी छा गई है। और अब जब बात करेंगे शहर इकतदार की तो यहाँ भी मौसम हो गया है ठंडा, एबटाबाद, नथिया गली, डोंगा गली, हर जगह मौसम के हसीन नज़ारे आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो माहिर मौसमियात जवाब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाब साहब अस्सलाम वालेकुम, बलूचिस्तान में तो सीज़न की पहली बर्फ़बारी हो गई है, इसके असरात कराची में भी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, वो कब ठंडी हवा चलेगी और यहाँ आएगी? जी बिल्कुल, ज़ियारत वो इस साल की पहली जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, एक तवील अरसे बाद जो है काफ़ी अच्छी बर्फबारी देखने में आई ज़ियारत वालों को, साथ ही साथ बलूचिस्तान की दीगर एरियाज में भी जो है वो कहीं बर्फबारी कहीं जो है वो बारिशें देखने में आई। क्वेटा के हवाले से भी अगर बात की जाए तो क्वेटा में भी जो है काफ़ी अच्छी एक बारिश का जो है स्पेल रिकॉर्ड किया गया, साथ ही साथ अब बलूचिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज में जिसमें ज़ियारत, क्वेटा, ये सारे एरिया शामिल हैं, ज़ियारत में जिस तरीके की 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, इसी तरीके से क्वेटा में भी जो है वो बारिश के बाद से काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुका है। और इन सब के साथ साथ जो है वो कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि बस अब बहुत जल्द ही जो है ये क्वेटा की ठंडी हवाएं, जो साइबेरिया की जो ये ठंडी हवाएं हैं, ये बहुत जल्द जो है वो शहर का रुख करेंगी इंशाल्लाह। और उम्मीद ये है कि 8 से 9 दिसंबर तक जो है इस साल की पहली कोल्ड वेव जो है वो शहर कराची को इफेक्ट कर सकती है। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की कोल्ड वेव होगी जिसमें रात के टेम्परेचर्स अगर देखा जाए तो तकरीबन अभी तक यही उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 10 से 11 डिग्री 12 डिग्री तक जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं। ठीक है, जवाद साहब हमारे साथ, ठीक है, जवाद भाई मौजूद थे।
जी मैं। अच्छा फैसल, एक चीज जो मेमन ने बताई, जैसे कराची की हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा वीकेंड पे भी हमने बात की थी और सरदार सर फराजी कहते कि 6 दिसंबर से जो है कराची में अब ये सर्दी आएगी। अब जब कराची में सर्दी आती ना, तो वो होता बहुत छोटा स्पेल है कि कराची में सर्दी या तो रात को शुरू होती है या दिन में थोड़ी बहुत हो जाती है, और फिर मगरिब तक का जो टाइम है ना, हम उसमें देखते ये हैं कि या तो सिर्फ हल्की हल्की सी हवा चलती है या हमें गर्मी नज़र आती है। आप तो कराची में बैठे हैं, आज 6 दिसंबर, जिसका कहा जा रहा था कि 6 दिसंबर से जी कराची में सर्दी हो जाएगी, आपने आज एक्सपीरियंस की सर्दी, आपको जब सुबह आप दफ्तर आ रहे थे आपको लग रहा था कि वाकई ठंड होना शुरू हो गई है, तो ज़रा गर्म कपड़े निकाल लिए जाए। नहीं नहीं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं अभी तक कराची में, और ये रात में थोड़ा बहुत होता है, फिर सुबह निकलते हैं जब तो भी थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप जो है वो ओढ़ पहन के मतलब कंबल लपेट के निकलें। अभी 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 आप 11-12 बजने दें, एक बार फिर वही मामला हो जाएंगे कि अगर आप 11-12 बजे कहीं निकलेंगे हम तो चार मौसम एसी जो कराची में एक्सपीरियंस करते आए हैं ना, वही हाँ वो वैसे ही है, लेकिन यही दुआ है कि बर्फबारी हो गई ज्यारत में, तो अब वो हवा यहाँ लेकर आएगी, और वो जो छोटा सा पीरियड आप जो ताना देती रहती है ना कि छोटे से पीरियड के लिए आती है, इस बार तो वो छोटा सा पीरियड आपको भी नसीब नहीं होगा, सोचे। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए मुझे एक लंबे अरसे के लिए सर्दी एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, कर लें एंजॉय। अब आगे बढ़ते और ऐसे स्कूल के हवाले से अब बात करेंगे जहां कोई छुट्टी नहीं होती, या मतलब जो बच्चे सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे अपने मब्बा को यहाँ नहीं जाना, आप भी हैरान होंगे, लेकिन ये इतनी कोई बुरी बात नहीं है, हैरत आपको भी हुई है हमें भी हुई है, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन ये स्कूल खुलता है, पढ़ने वालों का शौक भी देखने के यहाँ काबिल होता है, वो खुशी खुशी यहाँ पढ़ने आते हैं, उन्हें यकीन है कि यहाँ से वो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, और पढ़ाने वाले उन्हें अपने मिशन से बहुत मुखलिस नज़र आते हैं, संजीदा दिखाई देते हैं। यहाँ सिर्फ निसाबी नहीं बल्कि हम निसाबी सरगर्मियाँ जैसे कि गैर मुल्की ज़बानें ये भी महक सिखाई जाती हैं, और 150 तालब इल्म यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। और फैसल आप देखें कि जब हम बात करते हैं ना रियासत की ज़िम्मेदारी की, तो रियासत की ज़िम्मेदारियों में जो मेरी नज़र में अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए वो एक तो तालीम का मैार, दूसरा सेहत की सहूलियत, लेकिन जो यहाँ पे तालीम का मैार है और जिस तरह से तालीम दी जाती है, यहाँ से निकलने वाले बच्चे यकीनन हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि ये आज के बच्चे कल को पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हैं। तो ये एक जो स्टेप लिया गया है, या ये जो एक वाहिद स्कूल है जिसको अगर हम ये कह दें अपने लफ्ज़ों में कि एक ऐसा स्कूल जहाँ छुट्टी कोई नहीं है, एक ऐसा स्कूल जो कि हफ्ते में किसी भी दिन बंद नहीं होता, एक ऐसा स्कूल जहां पर आपको सिर्फ वो वाला नजर नहीं आएगा कि एक वो हम जो देख रहे हैं ना बिल्कुल पुराना सा रिवाज कायम है कि अच्छा जी हफ्ते में 6 दिन 7 दिन आपने जाना है, यहां पर उस निसाबी सरगर्मियां और फिर तालीमी सरगर्मियां हर चीज जो है यहां पे हमें मिलेगी। और फिर सबसे अच्छी बात फैसल कि यहां पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं उनको हर तरह की चीज सिखाई जाती है कि आप जिंदगी में जब भी बाहर निकल के नौकरी करें, आपके पास कोई भी ट्रैक आएगा, आप इजीली जो है आपको नौकरी भी मिल सकती है और आप इजीली उस चीज के लिए एलिजिबल। अच्छा, और इतनी मजे की बात यह भी है कि मस्जिद के अहाते में जो है वो लड़कियों को तालीम दी जाती है, लड़कों के लिए अलग इंतजाम है, स्कूल को चलाने वालों को एहसास है कि वक्त की कदर कीमत क्या होती है, जब ही तालीम को फरोग देकर मुल्क की तामीर और तरक्की में रियासत का हाथ बटा रहे हैं। तो जो बानी है इस स्कूल के सैयद नजमुद्दीन सोहरावर्दी साहब, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। नजम भाई सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो एक आइडिया है आपका, ये इससे पहले कुछ निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने जो ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी लगाते हैं कि उन्हें अपने फाइनल ईयर में जो आसपास के स्लम एरियाज़ है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट उससे यकसर मुख्तलिफ है। आपके पास प्राइमरी के भी बच्चे आ रहे हैं, आपके पास इंटर के भी बच्चे आ रहे हैं, और ये सब होने के बाद फिर लैंग्वेज सीखने भी आ रहे हैं, तो इस सब पर तो बताइएगा ही कि आप क्या क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली 2011 में हमने ये मदरसे की बिल्डिंग में कोचिंग की क्लासेस शुरू की थी। उस वक्त मैं NED यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो मुझे एक रियलाइजेशन ये थी कि हमारे यहाँ तालीम बहुत एक्सपेंसिव है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं लग्जरी बन गई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया में जो कि एक बेसिक राइट समझा जाता है लोगों का, हमारे यहाँ वो एक लग्जरी बन गई है। अगर आप किसी मीडियोकर कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो तालीम का मैार है वो इतना नाकस है कि आपके मुस्तकबिल किस तरह से रोशन होगा उसकी रेस लगी हुई है। और बाहर बोर्ड्स के बड़ा बड़ा हमने लगाया हुआ है कि रेस में जीतने वाले ये पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं, हमें नहीं पता कि उनकी ग्रोथ कितनी हुई है,
और हमें ये भी नहीं पता होता कि जो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है वो कितनी है। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। दौड़ में भी शामिल होने के लिए आपके जेब में जो सरमाया होना चाहिए वो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान। बहरहाल हमने दोस्तों ने, मेरा भाई शहाबुद्दीन सुवर्दी इज़ अ लॉयर नाउ, उन्होंने और हमारे दोस्तों ने मिलकर शुरू किया। 10 साल हम इसको चलाते रहे, कंसिस्टेंसी से चलाया हमने। पेंडेमिक में हमें रियलाइज़ हुआ कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे वो फ्री पढ़ रहे थे, तो उनके पास अब कोई आसरा था नहीं, तो हमने कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन शुरू कर दिए, घर में एक स्टूडियो बना लिया, बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश की। इंटरनेट के इतने मसाइल हैं हमारे यहाँ कि लोग किस तरह से अफोर्ड करते हैं इंटरनेट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अच्छा आप इंटरनेट ले लें, उसकी कनेक्टिविटी के इतने मसाइल होते हैं कि आप किस तरह पढ़ाएँ। तो वहाँ पर फिर हमें समवेयर वी फेल्ट लाइक कि हमें उसको ग्रो करना चाहिए। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मदरसे की बिल्डिंग थी उसको हमने पूरा मस्जिद में शिफ्ट कर दिया और इसको पूरा स्कूल बना लिया। अच्छा हम इतने ज़्यादा पैक चल रहे हैं, 7 दिन 1500 के करीब तलबा और तालबात आ रहे हैं। अब हमने मस्जिद का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसमें भी स्कूल शुरू कर दिया है। वहाँ पर एक कंप्यूटर लैब बनाई है, एक कंप्यूटर लैब हमारे स्कूल की मदरसे की बिल्डिंग में है। एक बहुत जो बड़ा मसला हमारे ज़माने में मैं देख रहा हूँ एजुकेशन में काम करते हुए कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये लोगों में एक ये फील कराती है कि हम डिप्राइव्ड हैं। अगर एक बच्चे को गैजेट चलाना नहीं आता, उसको कंप्यूटर पर हाथ रखना नहीं आता, तो वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है। हमने कई बच्चे देखे, फॉर एग्जांपल इस साल जो हमारी 9th क्लास आई उसमें 11 बच्चे ऐसे थे, लड़के लड़कियाँ, जिन्होंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को हाथ लगाया। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था ये। मैं उनसे पूछता रहा कि आप मजाक कर रहे हैं, आप सही कह रहे हो, कहा कि हमने सर फर्स्ट टाइम हम टच कर रहे हैं। और जब वो टच करने से जो उनको खुशी थी वो एक अलग मामला है। और आप जानते हैं कि आप IT लिटरेट होना कितना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में मैंने फ़ेस किया, हमारे दोस्तों ने फ़ेस किया, अच्छे नंबर्स हम ले लेते हैं, उस दौड़ का हिस्सा होते हैं, भाग रहे होते हैं, बट जब रियलिटी स्ट्रक करती है ना तो मालूम ये होता है कि हम उतने स्मार्ट नहीं है। नंबर लेने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता, मैं हमेशा फर्स्ट आता था क्लास में। बिल्कुल नजमुद्दीन साहब आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अच्छा आप फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, बट अगेन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते ना तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना आज हमारी सोसाइटी डिमांड करती है। अच्छा आपके नाम जो स्कूल का नाम है बड़ा मुनफरिद है ऑफ द स्कूल, मुझे पहले तो बताएगा कि इस नाम के पीछे क्या दिमाग है, ये आइडिया कैसे आया, स्पेशली ये नाम इतना कैची है, इसको रखने के पीछे मकसद क्या था? अच्छा मैं ख़ुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इस्लामाबाद का एडिटर रहा हूँ, तो ऑफ़ द रिकॉर्ड हम बहुत बोलते हैं सहाफ़ी लोग, तो समवेयर शायद वो अनकॉन्शियसली था, लेकिन मैंने ये सोचा ही था कि ऐसा काम करना है, ऐसा नाम रखना है कि जो स्कूल से हट के हो, जरा सा हट के, ऑफ द स्कूल के, ऑफ द वॉल इंग्लिश में की दिया मैं, कि जरा सा एक्सेंट्रिक हो जाना, तो ये उस तरह से था। हम कर रहे हैं, मतलब एक तो होता है ना आजकल दरअसल हो गया है, हम इतनी बातें करते हैं कि कुछ लफ्ज़ों ने अपनी तौकीद खो दी है, वो हर चीज़ क्लीशे लगने लगती है, तो कभी कभी ये सोचते हैं कि हम ऑफ द स्कूल हैं भी या नहीं, तो फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं हम हैं, क्योंकि हम 7 दिन चला रहे हैं। और फिर ये कि हम कंप्यूटर के वो कोर्सेज करा रहे हैं, प्रोग्रामिंग के, वेब डेवलपमेंट के, छोटे बच्चों को कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है। अच्छा नज़र भाई मुझे ये बताएं कि इसको आगाज़ करते हैं, आपके पास पहले तो क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे आते हैं जी, ये मंडे टू फ्राइडे होते हैं, ओके, और मॉर्निंग में होते हैं। अच्छा मंडे टू फ्राइडे, फिर इवनिंग भी शिफ्ट है, आफ्टरनून की भी एक शिफ्ट है, जिसके अंदर प्राइमरी में किंडरगार्टन के बच्चे आते हैं, ओके, 12 to 2:30, फिर हम 3 बजे से क्लास 6 से मैट्रिक तक को पढ़ाते हैं 6 बजे तक, फिर 6 बजे से रात 9 तक इंटरमीडिएट की साइंस एंड कॉमर्स, तो 14 घंटे से ज़्यादा तकरीबन ये कोचिंग दिन में स्कूल चलता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद अब फ्राइडे से संडे फिर क्या मामला, सैटरडे एंड संडे को हम कंप्यूटर की 10 कोर्सेज हो रहे हैं हमारे पास, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेज हो रही हैं, 10 क्लासेज हो रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, उसमें प्राइमरी लेवल है, बच्चों के लिए है, कॉन्टेंट राइटिंग है। इस दफ़ा हम जनवरी से सहाफ़ियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में अगर आपको आना है तो हम फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे। लैंग्वेजेस भी लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, टर्किश पढ़ा रहे हैं हम, पर्जियन पढ़ा रहे हैं, अरबिक पढ़ा रहे हैं। भाई सोते कब है? सोते हम फजर के बाद है, उसके बाद फिर 9 बजे दोबारा से उठना पड़ता है, क्योंकि एक जॉब भी है अपनी, मैं मिजान एडिबल को, ओके, आप जॉब भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी कैरी कर रहे हैं। तो मैक मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था और शायद आपके भी जहन में आ रहा होगा कि इतना सब कुछ हो रहा है तो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ है मैक? एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी कि बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली उस वक्त में जब आप कहें कि स्कूल में कोई छुट्टी ही नहीं है और इतनी सारी मार्शल एक्टिविटीज़ हो रही हो, तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताएगा कि बजट कैसे मैनेज होता है स्कूल जी का? मैं उसमें ऐड कर दूं कि हमने हर क्लास में AC लगाया हुआ है, हमने हर क्लास में प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि AC क्यों लगा रहे हैं आप, कुछ और करें, तो हमने कहा कि हमारा ख्वाब ये है कि वो चीज़ जो लोगों के दस्तरस में नहीं है वो उन तक पहुँचाई जाए। मैं एक चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे उसकी कदर कीमत मालूम नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, असल हमारा ख्वाब ये था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते
उन तक वो हर चीज़ पहुँचाई जाए, प्रोजेक्टर लगा दिया हमने क्लास में, कैमरे लगा दिए कि वो ज़रा सिक्योर फील करें। अच्छा, बजट्स की जहाँ तक बात है तो उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं जो हेल्प कर रहे हैं, कुछ यकीनन बेनिफिक्टर्स हैं जो नाम अपना लेना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं लेना चाहते, लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब क्योंकि महीने के जब एक्सपेंसेस देते हैं हम तो उसमें हमें काफ़ी एक झटका भी लगता है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत लोग वॉलंटियर कर रहे हैं पढ़ाने वाले, मतलब शहर के बेस्ट स्कूल्स में और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में दोस्त हैं NED यूनिवर्सिटी के, वो पढ़ा रहे हैं, IBA के ग्रेजुएट्स पढ़ा रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग फैकल्टी भी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बजट अल्लाह कर देता है, बाकी वो जो आप छुट्टी का कह रहे हैं तो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच निज़ाम साहब। ये सबक जो है जो आपने खुद याद कर लिया है कि किस तरीके से मुल्क और कौम को लेके आगे चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द यकीनन इतनी मनफी चीज़ें आ जाती हैं कि कभी कभी हम बतौर इंसान ये भूल जाते हैं कि अशरफुल मखलूकात हैं और हम अगर हिम्मत करें तो क्या नहीं कर सकते। और ऑफ दी स्कूल एक ऐसा ही मंसूबा है, इस जैसे और प्रोजेक्ट्स आते जाएं तो माशरे में कितनी ज़्यादा अच्छाई पैदा होगी, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी सोचने के लिए बड़ी मशलेरा किस्म की चीज़ है। हम आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो बहुत सारी बातें होंगी और सुबह सुबह आपकी भूख चमकाएंगे। कैसे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ने से पहले एक अहम डेवलपमेंट, गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस के सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। SBCA के डिप्टी डायरेक्टर साउथ की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और डिप्टी डायरेक्टर जुनूबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफान, फैसल, ये सिटी कोर्ट से मुतसिल एक इमारत है, वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात से मुतलिक केस है। एक दफाज गुजार हैं जिनका ये कहना था कि अदालत ने ओपन स्पेस क्लियर कराने का हुक्म दिया था, उसके बावजूद वहाँ पर पिलर खड़े कर दिए गए हैं और SBCA की जानब से कार्रवाई नहीं की जा रही है। अदालत ने आज समाअत शुरू की तो इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद डिप्टी डायरेक्टर SBCA क्यों पेश नहीं हुए हैं, जिस पर SBCA के वकील ने कहा कि एक मोहलत दे दी जाए तो अगली दफ़ा वो पेश हो जाएंगे। जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर वो इज्जत के साथ आज नहीं आना चाहते तो फिर उनके वारंट गिरफ्तारी हम जारी कर देते हैं। अदालत ने उनका वारंट जारी करते हुए जो मुतालिका ऐसा जो है उसको हुक्म दिया है कि जो डिप्टी डायरेक्टर साउथ हैं SBCA के, उन्हें आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खाबों की। वैसे तो कहते हैं कि जो लाहौरी होते हैं उन्हें खाबों का बड़ा शौक होता है और खाबों के हवाले से लाहौर बहुत मशहूर है, लेकिन अब कराची मशहूर हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टर्किश फूड जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वैसे तो हमने टर्किश ड्रामों को बहुत पसंद किया, लेकिन जो वहाँ के खाने हैं उफ क्या लजीज खाने, मैंने खाए नहीं है लेकिन देखें और देख के मुँह में पानी आना शुरू हो गया। अब फैसल ने किया ये है कि वो अकेले गए हैं वीकेंड पर और मुझे उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन खाना बनाने का तरीका, उसको प्रजेंट करने का तरीका और फिर उसको खाने का तरीका बेहतरीन है, बहुत यम्मी है। बाकी मुँह में पानी आना शुरू हो गया होगा। जल्दी से फैसल का ये फूड टूर आपको दिखाते हैं ताकि आप भी जाएं और ये आला सा खाना जो है ना एंजॉय करें। कितने ही आप में से लोग अच्छा खाना खाने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं और कितने ही लोग ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ की लोकल डेलिकेसी खाने के लिए। पाकिस्तान में अब ऐसी ममालिक की लोकल डेलिकेसीज अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं जिनके लिए आपको ऑल द वे फ्लाई करना नहीं होगा। तो टर्किश कुजीन आजकल बहुत मकबूल हो रही है पाकिस्तान में। एक ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ का खाना है बहुत आला, तो आए। हम आ गए अब किचन में और महक यहाँ पे जो खानों की महक आ रही है वो हम आपको अल्फाज में बता सकते और जज्बात आप तक पहुँचा सकते। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त रॉ हमारे पास मौजूद हैं। अब ये पाकिस्तानी कुजीन से कितना डिफरेंट होता है और ये क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज़ है, इसमें आपने कभी खाया है नहीं खाया, इस सब पे बात करेंगे। शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिलशाद भाई, ये बताएं कि क्या क्या कुछ है, क्या बनाने जा रहे हैं आज? जी सर, हम आपको एक तुर्किश की डिश है, टेस्टी कबाब, तो स्पेशल डिश है उनकी, वो हम आपको बना के दिखाते हैं इंशाल्लाह। फिर अब बनाना शुरू करें। जी इंशाल्लाह। चले जी, अब ये हमारा पॉट हो गया है तैयार और इसको आप भट्टी में डालने जा रहे हैं। भट्टी में डालेंगे और कितना अंडर टेम्परेचर होता है?
अंदर 200 होता है। ओ भाई ये तो प्लेटर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा। दिलशाद भाई ये इस डिश का नाम क्या है? ये सर अला सफरा है, ये फर्स्ट टाइम हमने कराची में लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी फर्स्ट टाइम अला सफरा लॉन्च किया है, अब देखते ये कि ये कितना आला है। आप अपना काम जारी रखें। ये धुआं कहाँ से उठता है? थोड़ा तो स्टूडियो से उठता है और थोड़ा यहाँ से उठता है। कबाब होने वाले हैं तैयार, तो हो जाए होशियार। तो ये है वो स्पेशल प्रेजेंटेशन जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ओनर हैं यहाँ पे, ओवेस भाई। ओवेस भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। खाना सब प्रेजेंट करते हैं लेकिन ये यूनिक आइडिया कैसा है? बहुत बहुत मशहूर हैं वो शेफ़ जिनका नाम जज़ेन बुराक है, मेरा ख्याल है आप लोग सब ने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उनकी बदौलत हम लोगों ने उनके रेस्टोरेंट में विज़िट किया, उनकी चीज़ों को देखा। ये आग वाला शशका जो है वो मुझे बहुत पसंद आया वहाँ पे। मोस्टली हमारी डिशेस की काफ़ी यूनिक प्रेजेंटेशन है और इट्स ट्रूली टर्किश इन्फ्लुएंस्ड, मतलब टर्की से हम लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। पाकिस्तानी और टर्क में डिफरेंस क्या है और आप लोग उसको किस तरह प्रेजेंट? द मेन इंग्रेडिएंट वो है स्पाइसेस। यहाँ के हमारे स्पाइसेस थोड़े तेज़ होते हैं और हमारी आवाम माशाल्लाह पाकिस्तानी जो है वो पसंद करती है मिर्च मसालों को, और जो टर्किश फ्लेवर्स होते हैं वो इट्स अ लिटिल बिट ब्लेंड टू बी ऑनेस्ट। ब्लैक पेपर सॉल्ट का ज़्यादा ज़ोर होता है जिसके बायस खाने में वो मिर्च मसाले नहीं मिलते जो यहाँ की आवाम को पसंद आता है। बन गया खाना, प्रेजेंट हो गया, अब खा भी लेते हैं, तब तक आप आग लगा भी लेते हैं। बने यमीवर, यानी कि खाना पेश किया जाए। लहम खुबस पिलाव, ये टेस्टी कबाब और ये आतिश दज्जाज, ये सारा अब हमारे सामने है। मैं और कितनी आपसे बात करूं, मतलब और कितना जुल्म करूं अपने ऊपर। आप जाएं और देखें कि किस तरह मैं खा रहा हूं, तब तक मैं इस पे हाथ साफ करता हूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि इतना ज़बरदस्त हमने चार डिशेस ट्राई की हैं तो उन सारी डिशेस का बाप यहाँ सामने आ गया है। बहुत ही आला सफरा इसका नाम है, आला सफरा। और ये एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि ऊपर इतनी बड़ी सी ये ब्रेड है तो फिर ये डिश कैसी? नहीं नहीं नहीं, ये ब्रेड नहीं। तो अब देखें कि ये इसमें है क्या। नहीं, आसानी से नहीं, ये मैंने ऐसे रख दिया है। 3, 2, 1 और ये आ गया आपका, ओए होए होए होए, आला सफरा, इंतहाई आला। देयर यू गो, द जायंट प्लेटर, और इसके साथ है फलाफिल भी। जी जनाब, तो कब तशरीफ ला रहे हैं आप आला सफरा और जैसे डिशेस खाने? तो हम तो करेंगे ट्राई और आपसे लेंगे इजाज़त। आप आगे मज़ीद पैकेज इन्जॉय करें, हम इन्जॉय करेंगे आला सफरा।
काला टर्किश कुजीन फैसल ने बहुत इंजॉय किया। फैसल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम भी ज़रूर जाएंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। और ये जो बेहतरीन मज़े मज़े के खाने आप ना खाना, स्पेशली जो मटन से बनी हुई चीज़ें होती है ना, पता नहीं इनकी क्यों अजीब सी क्रेविंग होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, नहीं मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। एक मिनट, आप तो मटन खाती ही नहीं। बिल्कुल, मैंने यकीन माने, एक तो देख के शौक पैदा हो गया। यकीन माने महक, मैंने इतना मिस किया आपको, मेरी आँखों में आंसू आए और मेरा दिल जो है वो लबरेज हो गया। और उस इमोशन में, इस इमोशन में हमने मटन, हमने सिर्फ वो चीज़ें मंगाई छोटी मोटी जो मेरी क्वेंकर को पसंद नहीं है, ताकि उसे बुरा ना लगे। तो हमने कुछ नहीं, हमने मटन मंगा लिया थोड़ा सा, हमने थोड़ा सा लैम्ब मंगा लिया और इस तरह की चीज़ें। तो हमने वो बिल्कुल भी नहीं मंगाया जो आपको पसंद था। मैं प्लीज़ कंटिन्यू करें, लेकिन अब मुझे मटन पसंद आना शुरू हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मुल्की तारीख के सबसे बड़े क्रूज लाइन शिप की, जो कि मौजूद है कराची में। और इसकी अगर बात करें तो 14 मंजिलें हैं इसकी, 7 स्टार होटल्स हैं, मॉल्स हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ गेमिंग जोन है। और जनाब क्या कुछ नहीं है, दिल कह रहा है कि इसको भी जल्दी से विजिट किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इसको विजिट नहीं किया जा सकता। और इसको एक फेरी के तौर पर भी इस्तेमाल करने की बात की जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, इसके अंदर ये जो इतनी लग्जरी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या मेंटेनेंस का कोई इशू है या फिर पैसों का कोई मसला है? रिजवान आलम आएंगे। जी रिजवान जी, देखें बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाने वाला ये क्रूज़ शिप है, और वाकई ऐसी चीज़ है कि जो मशहूर भी हो। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा कोई क्रूज़ शिप आया है। पाकिस्तान में इससे पहले जो है वो ज़्यादातर कार्गो शिप्स और कंटेनर शिप्स जो होते हैं, या फिर ऑयल टैंकर्स और बल्क कंटेनर के कंटेनर्स हो गए, ये आते हैं, टूटते रहे हैं गडानी में। इससे पहले भी ये कराची आया था। ये एक अहमदुल्ला नामी जो है, क्या कहते हैं, इम्पोर्टर हैं, वो सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर इम्पोर्टर भी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने ये शिप ख़रीदा है, और ये हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि उन्होंने $15 मिलियन में ख़रीदा है, यानी पाकिस्तानी इसकी मालियत बनती है ढाई अरब रुपए में इन्होंने ये ख़रीदा। उसको ये लेकर आए रशिया से, ये पाकिस्तान आया, जब कराची पहुंचा और इसकी कंडीशन देखी गई तो ये इतना खूबसूरत और हसीन था कि इसमें एक अलग ही दुनिया आबाद थी। पाकिस्तानियों ने भी शायद ऐसा शिप जो है वो फिल्मों में ही देखा था, लेकिन जब उन्होंने अपने हकीकत की आँख से इसको देखा तो इसमें वाकई 7-स्टार होटल है, इसमें गेमिंग जोन है, इसमें 3 बड़े हॉल हैं, इसके 1411 कमरे हैं, इसमें 14 मंजिलें हैं। उसके बाद फिर इसको कोशिश ये की गई कि इसको पाकिस्तान में कराची में सियाहती मुकाम बना दिया जाए, इसमें होटल बना दिया जाए और लोगों को मतलब इसमें तफरी फराम की जाए, या फिर इसको कराची से गवादर के दरमियान फेरी सर्विस के तौर पे और फिर दुबई इसको चलाया जाए। इस सब पे काम होता रहा, लेकिन इसमें मसले मसाइल ये थे कि $15 मिलियन का तो ख़रीदा गया था, उसके बाद अगर इसको शिप ब्रेकिंग के लिए ख़रीदा गया था, इससे हटकर किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो इसके मालिक को, जो पहले मालिक था इसका, उसको $3 मिलियन की मजीद पेमेंट करनी होती। तो ये $3 मिलियन यानी $30 लाख मजीद इजाफी चाहिए थे। इसके अलावा फिर अगर इसको यहाँ पर होटल बनाना है या फेरी सर्विस के तौर पर चलाना है, तो इसको चलाने के लिए शिपिंग इंडस्ट्री के लोग हमें ये बता रहे हैं कि कम अज़ कम भी 1000 से 1200 अफराद तो मुलाजमीन रखने होंगे इसमें, और वो भी सब अपने अपने शोबे के माहिर, कुक्स रखने होंगे, शेफ्स रखने होंगे, वेटर्स रखने होंगे, और सारे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर, पायलट, अलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ थी। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसके लिए स्टेट बैंक की एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी होती है जिसमें कम शरह। ठीक है रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे और अभी हम आपको बताएं कि आज 50 शहादत है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का। 65 और 71 की जंग में जमा मर्दी का मुजाहरा किया। निशान हैदर का एजाज पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का 50वां योम शहादत, और दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए सितारा जर्रत 1965 में उन्होंने हासिल किया था, और 1971 में एक बार फिर दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए थे, वहाँ जाम शहादत नोश किया था, और जाम शहादत नोश करते हुए उन्हें निशान हैदर अदा किया गया था। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद कि जिनका 50वां योम शहादत मनाया जा रहा है, और देख सकते हैं कि उनके कब्र पे जो है वो फूलों की चादर चढ़ाई गई है, और इसके अलावा फातिहा खानी भी इस वक्त की जा रही है। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।